हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और ये छोटा सा ब्लॉग मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, अपना पूजा रूटीन का ब्लॉग। तो मॉर्निंग के सारे काम करने के बाद मैं थोड़ा सा टचअप करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपके साथ अपना पूजा रूटीन शेयर करूँगी। गृहस्थ जीवन में रह के बहुत लंबी चौड़ी पूजा तो देखिए हम लोगों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा समय नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अपने ईष्ट को, ईश्वर को याद करने का और एक अपना कल्चर फॉलो करने का, क्योंकि जिससे हमारे बच्चे भी सीखें, तो हर महिला को अपने घर की सुख समृद्धि के लिए थोड़ी बहुत तो पूजा ज़रूर ही करनी चाहिए। और वो छोटी सी पूजा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मंदिर में आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने प्रणाम किया और ये गंगा जल स्प्रिंकल करने का है, और ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है मीशो से, और इसका ब्लॉग जल्द ही आपके सामने मैं दूंगी। तो ये कुछ फूल मैंने मंगवाए थे। सबसे पहले प्लास्टिक की थैली से मैंने ये फूल निकाल के एक प्लेट में रखा, क्योंकि प्लास्टिक की थैली से डायरेक्ट भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। और आने के बाद में हर एक चीज़ पे मैंने गंगा जल स्प्रिंकल कर दिया। उसके बाद मंदिर की साफ़ सफ़ाई, जैसे हम अपने घर की साफ़ सफ़ाई करते हैं उसी तरीके से मंदिर की साफ़ सफ़ाई, और जितने विग्रह हैं उनको थोड़ा सा गीला कपड़ा से या बहुत हल्का मॉइस्ट कपड़े से आप अच्छे से उसको क्लीन कर लीजिए। तो मैं दोनों कपड़े अपने साथ रखती हूँ, एक से मैं पूरा जो भी स्लैब है भगवान जी की वो साफ़ करती हूँ, और उसके बाद गीले कपड़े से भगवान जी के टीका, चंदन और उनके हाथ पैर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि देखिए हम लोग स्नान करते हैं, डेली स्नान कराना हर विग्रह को पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है और इतनी ज़्यादा समय नहीं है। गृहस्थ जीवन में रह के बहुत सारी हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, और हम सिर्फ पूजा के लिए ही बहुत सारा समय नहीं निकाल सकते। अगर हम इतनी विग्रह को, इतनी मूर्तियों को अगर अच्छे से स्नान आदि करा के उनके वस्त्र आदि रोज़ चेंज करेंगे ना, तो बहुत सारा समय जाता है, क्योंकि एक छोटी सी ही पूजा करने में आधा पौन घंटा चला जाता है आराम से, और इतना समय हम औरतों के पास नहीं रहता है। तो मैं साधारण तरीके से गंगा जल सारे भगवान पे छिड़क कर उनके अच्छे से सफाई कर देती हूँ, टीका चंदन पोंछ देती हूँ, मंदिर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। और ये बर्तन मैंने रात में ही, मतलब जब मैं सोने से पहले भगवान जी का मंदिर बंद करती हूँ, तो सारे बर्तनों को निकाल लेती हूँ और अच्छे से उन्हें वॉश करके रख देती हूँ। टैप वाटर का मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि गंगा जल इतना नहीं मिल पाता है, बस थोड़ा सा गंगा जल में टैप वाटर में मिला देती हूँ, और इसी से भगवान जी की पूजा अर्चना, उनका जो भोग निकालते हैं, पानी रखते हैं हम लोग, जल रखते हैं, वो सारा करती हूँ। मेरे पास ये छोटी छोटी गिलासें हैं, और इन्हें मैं सब भगवानों को एक एक करके एक एक स्लैब पे हर विग्रह के सामने मैं रखती हूँ। और ख़ास तौर लड्डू गोपाल जी का प्लेट, कटोरी, चम्मच उनका अलग रहता है, और इनकी पूजा मेरी छोटी वाली बेटी बहुत अच्छे से करती है। तो ये लड्डू गोपाल जी का मैंने अलग निकाल के रख दिया है। बाकी हर विग्रह, हर स्लैब पे मैंने एक एक छोटी छोटी ग्लास और उसे छोटी सी कटोरी के साथ मैं ढक कर रखती हूँ। इतनी क्लीनिंग करने के बाद में मैं दीपक जला देती हूँ, सूर्य भगवान को जल अर्पित करती हूँ, और यहाँ मैं अपना दुपट्टा लाना भूल गई। और सर पे दुपट्टा ज़रूर या कोई रुमाल ज़रूर रखे करिएगा, बाद में मुझे याद आया, क्योंकि गर्मी फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल सर पे एकदम पसीना पसीना समझिए हो गया, क्योंकि मंदिर में दीपक जलता है तो वहाँ फ़ैन भी नहीं चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना था। तो इसी गर्मी की वजह से मैं भूल गई दुपट्टा डालना सर पे। फिर उसके बाद शंकर जी को डेली स्नान कराती हूँ, और लड्डू गोपाल को मेरी बेटी स्नान कराती है। तो शंकर जी को स्नान कराने के बाद में उनका जो बचा हुआ जल रहता है वो मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, वापस इसे मैं प्लांट्स में किसी गमले में डाल देती हूँ, तुलसी जी के गमले में नहीं डाल, मतलब तुलसी जी के गमले को छोड़कर बाकी सभी प्लांट्स में मैं डाल देती हूँ।
और इस तरीके से उनको स्नान कराने के बाद में उनके ऊपर जो मटकी जलाधारी मटकी रखी रहती है उसे भी भर देती हूँ, क्योंकि ये ड्रॉप ड्रॉप इसमें से जो भी जल है शंकर जी के ऊपर चढ़ता रहता है। सबसे पहले गणेश जी को टीका चंदन करती हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी पूज्य हैं, और जो भी रहता है दुर्वा वगैरह चढ़ती है, अगर फूलों में आ जाती है तो दुर्वा चढ़ा देती हूँ, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए कभी कभी ये सारी चीज़ें हर समय मिलना पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी आ जाता है तो ज़रूर अर्पित कर देती हूँ। फिर उसके बाद माता जी को मैं लगाती हूँ टीका चंदन, रोली है, चंदन है और अक्षत चढ़ाती हूँ, साथ में ही जो मुझे मंत्र याद हैं जैसे नवारण मंत्र हुआ, लक्ष्मी जी का मंत्र हुआ, शंकर जी का मंत्र हुआ, वो मंत्र भी उच्चारण करती रहती हूँ और अपनी दुर्गा चालीसा करती रहती हूँ। जो आपकी ईष्ट देव हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उनका मंत्र उच्चारण आप रेगुलर ज़रूर करिए, अपनी पूजा दैनिक पूजा में ज़रूर शामिल करिए। जैसे मैं दुर्गा जी का बहुत मतलब मन से पूजा करती हूँ, ऐसे तो सारे भगवान को आप विग्रह को आप मानते हैं, लेकिन जैसा होता है ना कोई ईष्ट देव, तो मुझे दुर्गा जी की पूजा उपासना में बहुत अधिक मन लगता है, तो उनके मंत्र उच्चारण और उनका चालीसा वगैरह ये सब मैं गुनगुनाती रहती हूँ। इसके साथ ही ना अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो उनका भी ज़रूर इस पूजा में अपनी दैनिक पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप घर में 24 घंटे में देखिए, चाहे 10 मिनट ही सही 15 मिनट सही, अपने घर में सुख समृद्धि शांति के लिए आपको हर महिला को देखिए पूजा जरूर करनी चाहिए। आप चाहे किसी भी धर्म के हो अपने इस जरूर सिर झुकाना चाहिए। इसके बाद मैंने कर ली आरती, और आरती की पूरी क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि बार बार देखिए पूजा में कैमरे को इधर उधर करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो मैं लेना भूल गई, सही से मैं उसे ट्राईपॉड को लगा नहीं पाई, इसलिए मेरी पूरी क्लिप नहीं आई है। आरती करने के बाद में मैंने कर ली अपनी परिक्रमा, और आरती करने से जो भी आपकी पूजा में कमी रह जाती है वो सब पूरी हो जाती है, इसलिए पूजा के बाद आरती ज़रूर करिएगा, उसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और एक चीज़ जो है, आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आसन के नीचे 2-3 बार जल छिड़क कर ओम इंद्राय नमः शुक्राय नमः का जरूर करिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम ऐसा ना करें तो हमारी पूजा का जो भाग है वो इंद्रदेव और शुक्रदेव ले जाते हैं, तो ज़रूर अपने आसन के नीचे जल छिड़क कर 3 बार अपनी आँखों पर ज़रूर लगाना चाहिए। फिर उसके बाद आसन में भी जल छिड़क देती हूँ, और फिर उसके बाद आ जाती हूँ अपने घर पार्किंग एरिया पे जहाँ पर मेरी तुलसी माता रखी हुई हैं, और उनका भी नित्य पूजन बहुत ज़रूरी है। बस एकादशी और रविवार को मैं जल अर्पित नहीं करती हूँ, बाकी दीपक ज़रूर दिखा देती हूँ, दीपक ज़रूर लगा देती हूँ। तो तुलसी माता की पूजा भी बहुत ज़रूरी है, हर घर में तुलसी माता का पौधा होना चाहिए और उनकी नित्य पूजा ज़रूरी है। अभी सर्दियों में तो ना मेरी तुलसी माता बहुत ज़्यादा मतलब मुरझा गई थी, अभी ये दूसरा पौधा है जो धीरे धीरे पनप रहा है, और गर्मी की वजह से वो भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। अब मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में, और किचन में रखी हुई है मेरी अन्नपूर्णा माँ। तो अन्नपूर्णा माता के आगे मैंने रिसेंटली में बस अभी दिया लगाना शुरू किया है, और इस तरीके से मैं ये अखंड जो छोटी सी लेके आई हूँ इसमें मैं दिया बत्ती अन्नपूर्णा माता की कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, आज मैंने आपके साथ अपना पूजा रूटीन शेयर किया है। डेली बेसिस पे मेरी इतनी सी पूजा रहती है, अगर मेरा व्रत वगैरह होता है तो ये थोड़ा और बढ़ जाती है, और उसके लिए जब फास्ट होता है तो मैं अपने घर के कामों को बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं पूजा में फ्री माइंड होकर आराम से टाइम दे पाऊँ, लेकिन डेली बेसिस पे मेरी इतनी ही पूजा रहती है।
हम लोगों के लिए देखिए गृहस्थी में है हम लोग, तो गृहस्थी में रहता है ना कि पहले अपनी और जिम्मेदारियों को निभाएं, घर की जिम्मेदारियों को निभाएं, फिर उसकी बात पूजा आती है। लेकिन हाँ 24 घंटे में मुझे लगता है जहाँ सारे काम हो रहे हैं वहाँ आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उसे निकालना भी चाहिए। इससे पूजा करने से समझिए आपका मन मस्तिष्क बहुत अच्छा रहता है, शांत रहता है, और सबसे बड़ी बात है इसका असर सीधा आपके बच्चों पर पड़ता है। जहाँ बच्चे हमारे मॉडर्न कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अहम भूमिका निभाती है पूजा पाठ, जो अपनी संस्कृति से जुड़े रखती है बच्चों को, और बच्चे वैसे ही देखते हैं जैसा घर में हो रहा है, बच्चे वैसे ही देखते हैं और वैसे ही फॉलो करते हैं। तो ये छोटा सा रूटीन उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।